दोस्तों वेलकम बैक टू भोपाल पिजन्स। और फिर से हाजिर हैं आज दानिश भाई की उड़ान लेके, जो कि 10 दिसंबर को हुई थी। और इस उड़ान के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा ये उड़ान देख के, क्योंकि दानिश भाई जो हैं नसीम भाई के छोटे भाई हैं। हमारे नसीम भाई भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने छोटे भाई के नाम से एंट्री लिए। तो दानिश भाई ने आज सारे कबूतर उड़ाए। और आज के जज जनाब हमारे संदीप भाई हैं और हैदर भाई पूरी सील लगा रहे हैं 9 कबूतरों पे। और आज जो बाज बेरी का जो शिकार हुए हैं ज़्यादातर कबूतर, वो इस वीडियो के अंदर आपको देखेंगे। और हम शुक्रगुजार हैं संदीप भाई के, जिन्होंने लाइव अपडेट दी पूरी की पूरी बना के, जिस तरीके से बाज जो था कबूतरों पर अटैक कर रहा था, हर तरीके से घूम रहा था, इधर उधर भगा रहा था, कबूतरों को गिरा रहा था, तो वो आज आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों भोपाल की कबूतरबाजी बहुत मुश्किल है। अगर कोई कबूतर 5 घंटे उड़ के आया है, तो ये समझिए कि कबूतर ने 10 घंटे की उड़ान पूरी करी है। क्योंकि जब कबूतर ऊपर जाता है तो बास इतने लपकते हैं उस एक कबूतर के पीछे कि कुछ बयान नहीं किया जा सकता, लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता उसका। तो ये तो भोपाल के कबूतरबाजों का दिल है, जिगर है, जो सर्दी के मौसम में भी कबूतरबाजी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि गर्मी के अंदर कबूतरबाजी नहीं होती, दोनों सीज़न में टूर्नामेंट्स होते हैं भोपाल के अंदर, गर्मी में भी और सर्दी में भी। लेकिन जो सर्दी का मज़ा है टूर्नामेंट उड़ाने का, वो अलग मज़ा है कि धूप भी सेक जाती है अच्छी और कबूतर भी बहुत बेहतरीन प्रवास करते हैं। और गर्मी के टूर्नामेंट पर उड़ान जल्दी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो मज़ा है वो अलग आता है। लेकिन भोपाल के अंदर सर्दी में जितनी मार पड़ती है, गर्मी के अंदर भी बराबर पड़ती है। तो चलिए आज का वीडियो पूरा एंजॉय कीजिएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो कबूतर अब बाहर निकाल रहे हैं हमारे दानिश भाई, और जज हैं हमारे जनाब संदीप भाई। अपने नसीम भाई और दानिश भाई, इनके कबूतर उड़ाए हैं। अपने संदीप भाई जजिंग कर रहे हैं, 6:40 पर। सही करते हुए ये बाड़ा पार कर जाते हुए दानिश भाई का लाल बाजरा कबूतर 11:30 पर उतरा। 12:04 पर दो कबूतर आए उतरे। 12:04 भाई एक कबूतर को जुम्मस मार के आसमान से बिल्कुल रोड पे जाके गिरा के गया, तभी इसमें अभी एक कबूतर को कैंसिल हो गया एक कबूतर। ये माजिद भाई राकेट से बास को भगाते हुए, ये 6 घंटे की कबूतरी को बिछड़ के गया आज बास। बहुत जानदार ये लो अमन भाई, ये ले यही वो बात साला 6 घंटे की कबूतरी खराब करके गया। अरे दानिश
इस भाई का 12:40 पे गोल्डन कबूतर आया। अरे आप नीचे हो जाओ, आप नीचे हो जाओ कोने में। दानिश कबूतर दिखा खाली, दानिश नहीं देखा कबूतर, कबूतर मत देखा। मत करो मत करो, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। कबूतर मत दिखाना, वो फिर लपक गया। कबूतर मत दिखाना दानिश, वो उधर बैठ गया, वो बैठ गया, वो पेड़ के, वो घुस गया। एक मिनट।